brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। भारतीय लोक जीवन में गाय के गोबर का महत्व क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। घर लीपने और उपले बनाने जैसी बुनियादी जरूरत हो या शादी या कोई भी शुभ काम, कोई भी काम गाय के गोबर के बिना पूरा नहीं हो सकता। लोक जीवन में इसकी अहमियत के बखान से हमारे लोग गीत भरे पड़े हैं, लेकिन इसी गोबर पर चढ़ गया है चीन, क्योंकि गाय के इस गोबर ने उसका सारा गुड़ गोबर कर दिया है। कभी दीपावली में चीनी दियों का वर्चस्व रहता था, लेकिन अब इनकी छुट्टी हो गई है। उनकी जगह देश में बने मिट्टी के दियों के साथ साथ गोबर के दिए लेने जा रहे हैं। मिट्टी और गोबर के इन दियों में कितनी ताकत है इसका अंदाजा चीन को हो गया है। दिवाली से पहले ही इन दियों ने उसे हिला कर रख दिया है और वो अनाप शनाप बकने लगा है। इन दियों ने चीन को कम से कम 400 अरब रुपए का झटका तो दे ही दिया है। इसलिए अब वो कह रहा है कि गोबर के दियों से भारतीयों की दिवाली का स्तर गिर जाएगा। अब चीन की इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है। ना वो भारतीय परंपरा को जानता है, ना ही यहाँ के लोक जीवन को, और ना ही गाय के गोबर की महिमा को। हाँ, गाय का गोबर किस तरह कंगाल बना सकता है इसका अंदाजा उसे हो गया है और वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के चलते भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब चीन ने गलवान घाटी में बातचीत के बहाने भारतीय जवानों पर हमला किया। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए। लेकिन चीन की इस धोखेबाजी के बाद भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ। चीन को अरबों का झटका लग चुका है और उसके होश गुम है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गाय के गोबर ने किस तरह दिया है चीन को झटका।